दीपक केलकर एक्सक्लूसिव में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले के कार्यक्रम में हमने सेक्स विषय को प्रधानता से लिया था। इस बार का विषय भी वही है, लेकिन जो बीमारियां वगैरह है उसमें अलग अलग प्रकार की थी। पहले भाग में जो थी वो अलग है, इस भाग में कुछ अलग है। डॉक्टर साहब आपका फिर से एक बार हमारे कार्यक्रम में स्वागत। धन्यवाद डॉक्टर साहब। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो या महिला हो जिसे यौन रोग की कोई समस्या न हो, फिर भी लोग अपने आप को स्ट्रांग मानते हैं, तो ये गलत होता है क्या? आपको ऐसा लगता है कि भाई नहीं, मैं मुझमें कोई ऐसी बीमारी नहीं है? मतलब सेक्स की जो बीमारी है, लैंगिक समस्या जो है, जी जी, वो जिंदगी में कभी ना कभी पुरुष को या स्त्री को आती रहती है जी। मगर हमारे देश में, हमारे समाज में इसके बारे में एक अभिशाप है, बोलो स्टिग्मा इसको बोलते हैं, जी जी, दाग है कि नहीं नहीं इसके बारे में सीधी बात नहीं करना जी। और मैं कितना पुरुषत्व में हूँ, मैं कितना सेक्सी हूँ और मेरे में कितनी ताकत है जी, ऐसा बताने में लोगों की होड़ लगी रहती है जी। तो इसलिए फिर वो सब लोग छुपाना चाहते हैं जी। मैं पुरुष हूँ और खुलकर बात नहीं करता। कहीं पर अगर मैं मेरी समस्या अगर मैं अपने दोस्तों से शेयर करूंगा तो उनकी नजर में मैं गिर जाऊंगा या मैं भी कमी पड़ा महसूस करूंगा करके वो अपनी बात बीमारी जो छुपाते हैं और धीरे धीरे वो बीमारी बढ़ते चली जाती है। और मैं पुरुष नहीं हूँ जी, मैं पुरुष नहीं हूँ ऐसा लगता है फिर लोगों को कि भाई समझो मैंने ऐसा बताया तो है ना। समझो एक आधी बार हार्ट अटैक आ गया जी, हृदय विकार, तो लोग बोल देंगे हृदय विकार आ गया, मेरा हार्ट कमजोर हो गया, मैं दवा ले रहा हूँ जी, और वो चल भी जाएगा। मैं सेक्स नहीं कर पाता जी, ये हो गया तो ये बहुत बड़ा झटका आदमी को बैठ गया जी जी। डॉक्टर साहब इसमें बिना दवा के सीखते वतन की उपचार होता है? देखो ऐसा है कि बिना दवा का भी होता है और दवा का भी होता है जी। हम तो क्या करें, दोनों भी देते इलाज जी, है ना। कोई कोई दवा ऐसी होती है कि जिससे मतलब जो वीर्य स्खलन शीघ्र पतन जो है वो होता नहीं जल्दी जी। तो ऐसी कोई दवाइयां है कि जो मैं हम लिखते हैं लोगों को देते हैं कि भाई दवाई लो तो इससे शीघ्र पतन नहीं होगा, काफी समय लग गया है, उससे उसे कॉन्फिडेंस आ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर एक दो बार उसका जरा अच्छा ठीक लग गया उसको, कॉन्फिडेंस आ गया फिर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी जी। तो काफी सारी है। फिर कुछ कुछ लोगों क्या होता है कि इसके साथ साथ नपुंसकत्व भी रहता है जी जी, शीघ्र पतन और नपुंसक दोनों साथ में रहते हैं, दोनों साथ में ये भी हो सकता है जी जी। तो उसके लिए यह है कि भाई उसको शिश्न में ताठरता आने के लिए, मतलब कड़कता आने के लिए जी, है ना, तो उसके लिए फिर उसको दवाई की जरूरत है, फिर वो भी दवाई दे दो जी, ताकि उसका शिश्न काम करने योग्य हो जाएगा जी। और फिर जल्दी स्खलन नहीं होना चाहिए उसके लिए भी दवा दो जी, तो वो एक जरूरी है जी। अब इसके साथ साथ मतलब कुछ मतलब ब्रेन को जरा ऐसा सेडेशन या थोड़ी गुंगी लाने की दवाई दिया जी, तो जो उसका एक्साइटमेंट है जी वो कम हो जाता है, वो ज्यादा एक्साइटेड रहता है जी, तो वो कम हो जाता है क्योंकि नयापन रहता है, शादी के बाद में नयापन रहता है जी, या बहुत दिन के बाद में संपर्क आ रहा तो नयापन रहता है जी, है ना। और उसको लेकर कभी आदत लग गई तो नया मतलब वो एक डर रहता है जी, तो उसके लिए वो दवाई देके उसको जरा दिमाग शांत करने की दवाई देना पड़ता है जी। और कुछ कुछ दवाई ऐसी की जो शीघ्र पतन को जरा टाइम लगा देती है, पतन जल्दी होने देती नहीं जी, तो वो दवाई देना। दूसरा है बिना दवाई का इलाज जी। अब बिना दवाई के इलाज के लिए हम क्या करते हैं, यूजुअली हम दोनों भी मतलब इलाज कोई भी रहो, दवाई करो बिना दवाई करो, हम बोलते हैं कि पत्नी को लाओ या मतलब आपके पार्टनर को लाओ जी, है ना। तो यूजुअली अपने समाज में ऐसा है, अपने देश में जी, कि लोग नहीं नहीं वो पत्नी बोलती है कि मेरा क्या है, मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं क्यों जी, है ना, मेरा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं जी। मैं बोलता हूँ कि प्रॉब्लम दोनों का है, प्रॉब्लम दोनों का इसलिए क्योंकि आदमी अकेला जब रहता है जी तो उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं जी, अगर आदमी को क्या प्रॉब्लम है उसको पूरा तपास लिया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं जी। प्रॉब्लम उसका कब शुरू होता है जब दोनों एक साथ आते हैं, तो ट्रीटमेंट भी दोनों लोगों की एक साथ होनी जरूरी है जी। डॉक्टर साहब जैसे तो आपने बताया था कि जो ऐसी आपको कुछ दवाइयां लिख रही थी इसके अंदर शीघ्र पतन जल्दी नहीं होता, तो ऐसे बहुत से मार्केट के अंदर बड़े बड़े दावे करने वाली जो दवाइयां हैं वो मिलती है, तो वो कितनी नुकसानदेह हो सकती? तो ऐसा है कि मार्केट में तो बहुत सारी दवाइयां है जी, है ना, कि उसके ऊपर घोड़े का चित्र है, बैल का चित्र है जी जी, है ना, आयुर्वेदिक दवाई है जी, वो तंबू लगा के जी जी रास्ते के बाजू में लोग रहते हैं, उसमें पहलवान का फोटो रहता है, ना, ये सब लोगों को मूर्ख बनाने के तरीके हैं जी। ऐसा ऐसा कोई नहीं है, कोई उसको दवा दे दिया तभी उसका एक घंटा चलेगा सेक्स, ऐसा कोई दवाई नहीं है जी, है ना जी। और वो समझो होता ही नहीं तो फिर वो प्रॉब्लम है, है ना, तो ऐसी कोई दवाई है नहीं जी। मगर एलोपैथी में तो जो मुझे मालूम है, जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ एलोपैथी की, तो उसमें दवाइयां हैं जिससे वो प्रोलॉन्ग किया जा सकता है
जी कुछ समय तक जी है ना, कुछ समय तक जी, और उसकी भी कोई ऐसी गारंटी नहीं कि भाई मैं दवाई दे दूं और 101% उसका काम होगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं जी। इसके लिए उसको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है जी। पति पत्नी ने दोनों ने साथ में आना जी, और उनको फिर मैं साइकोथेरेपी करता हूँ जी। साइकोथेरेपी मतलब मानसोपचार, मानसोपचार उनको बताते कि क्या करना चाहिए जी, दोनों ने मिलके क्या करना चाहिए। तो वो मैं आपको विस्तृत बता सकता हूँ है ना कि भाई मतलब दोनों को बुला के करना क्या है जी। और समझो पत्नी नहीं आती है जी, तो फिर अकेले को बोलना पड़ता है ठीक है मैं जो बोल रहा हूँ जाके अभी घर पे बोलता, लेकिन उतना वो प्रभाव ही नहीं होता, क्योंकि मैं अभी उसको बोलूं जी तो उसको पूरा समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोल रहा हूँ जी। अभी वो जाके पत्नी को बोलेंगे तो उसको कितना समझ, मतलब वो डाइल्यूशन हो जाता, यानी आप 50 बोलेंगे घर को जाके 40 कर देंगे, ऐसा होता है। फिर लोग बोलते हमको फायदा नहीं होगा। तो यूजुअली जो जो लोग साथ में आते हैं जी, हस्बैंड वाइफ जी, पति पत्नी, तो उनको जरूर फायदा हो जाता है जी।